तो है गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में कि आप लोग को अभी ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो साथ ही मैं इसका कुछ प्रोस और कुछ कॉन्स भी देने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक रियल इस्टेट का कंपनी है। तो इसका अगर मैं पहले एनालिसिस करूँ तो पहले मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग को करके बताता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो करेंट प्राइस वो 3.15 रुपीज़ का है और इसका जो ऑल टाइम हाई गया था वो 3.67 रुपीज़ तक गया था, जो कि अभी जो इसका करेंट प्राइस वो ऑल टाइम हाई के पास में है, और इसका जो ऑल टाइम लो गया था वो 1.30 रुपीज़ तक गया था। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो डिविडेंड यील्ड वो 0% का है। तो ये इतना निगेटिव पर नहीं है, क्योंकि स्टॉक जो पेनी स्टॉक होते हैं तो उसका डिविडेंड यील्ड 0% ही होता है। जब ये कंपनी बड़ा हो जाएगा तो ये कंपनी डिविडेंड यील्ड देना भी शुरू कर देगा, तो ये इतना निगेटिव पर नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका मुझे निगेटिव पॉइंट लगा इसका ROC और ROE जो कि निगेटिव में है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो डेप्थ वो ऑलमोस्ट मार्केट कैप से ज़्यादा है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। और इसका जो डेप्थ है वो 3,800 करोड़ के सामने में है, और इसका जो मार्केट कैप वो सिर्फ 816 करोड़ का है, तो ये एक बड़ा ही बड़ा निगेटिव पॉइंट है। दोस्तों, इसके बाद अगर मैं इसका EPS के बारे में बोलूं तो ये आप लोग को निगेटिव में देखने को मिलेगा, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। और सेकेंड जो अब मैं बोलूं आप लोग को, फोर्थ जो निगेटिव पॉइंट वो है बुक वैल्यू। तो इसका जो बुक वैल्यू वो ठीक है 17.6 का है, और इसका जो प्रेजेंट प्राइस वो 3 रुपीज़ का है। पर दोस्तों, जब बुक वैल्यू ज़्यादा होता है तो एक स्टॉक को अंडर वैल्यूड कहा जाता है। तो पर ये इतना जो इसका जो करेंट प्राइस वो बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये इतना अंडर वैल्यूड होना भी बहुत ही एक निगेटिव पॉइंट होता है। तो ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटली बोलूँ तो ये मुझे वीक लगा। तो इसके बाद दोस्तों, इसका अगर मैं रिटर्न के एनालिसिस करूँ तो इसका जो 1 ईयर का रिटर्न जो कि शॉर्ट टर्म का वो 21% का है, जो कि ठीक ठाक है। तो इसके बाद इसका जो 3 ईयर का रिटर्न जो कि मिड टर्म का रिटर्न वो 57% का है, जो कि अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म से ज़्यादा होना चाहिए मिड टर्म का, और इसका है। पर मुझे निगेटिव पॉइंट लगा दोस्तों इसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न, जो कि 5 ईयर में इसने -21% तक दिया है। तो दोस्तों, इसका अगर मैं बोलूँ तो 2018 में इसका प्राइस ऑलमोस्ट 10.70 रुपीज़ तक गया था, और इसके बाद इसका जो 2019 में जो कि 1 ईयर के बाद इसका प्राइस 0.40 रुपीज़ तक डंप हो गया, तो ये बहुत ही एक बड़ा निगेटिव पॉइंट है। और अभी आप लोग अगर देखें ग्राफ को तो ये थोड़ा थोड़ा सा अभी फिर से बढ़ने लगा है। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी खरीदना चाहिए या फिर नहीं, तो फ्यूचर में क्या आप लोग को इसका दाम देखने को मिलेगा या फिर पंप, तो ये सारा बात मैं आप लोग को बोल दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, इसका अगर मैं फाइनेंशियल के बारे में एनालिसिस करूँ तो इसका जो रिवेन्यू वो 2020 में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2019, जो कि अच्छा है, ठीक है। पर दोस्तों, निगेटिव पॉइंट मुझे लगा प्रॉफिट और नेटवर्क में। तो इसका जो प्रॉफिट वो 2021 में कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स, और इसका जो नेटवर्क वो भी कम है 2020 में एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स। तो फाइनेंशियल भी मुझे इतना अच्छा ये नहीं लगा, और रिटर्न के बेसिस से भी मुझे ये लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा नहीं लगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ तो इसका जो रिटेलर वो 93.5% का है, जो कि ऑलमोस्ट 94 आप लोग बोल सकते हैं, और इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग वो 5.13% का है, और इसका जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वो 0.9%। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न एक अच्छा स्टॉक का प्रोमोटर ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिटेलर, पर इसका उल्टा है, इसका रिटेलर बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोमोटर, तो ये एक निगेटिव पॉइंट मुझे लगा। और इसके बाद अगर दोस्तों मैं अगर आप लोग को बोलूँ तो 2018 में जो प्रोमोटर वो 6.5% का था, जो कि ड्रॉप हो गया अभी 5.13% का, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद दोस्तों, जो FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो भी 0.3% का है, जो कि ऑलमोस्ट 5% तो रहना चाहिए एक अच्छा स्टॉक में, और इसका बहुत ही कम है। तो इसके बाद म्यूचुअल फंड 0.01% का, तो ये इतना मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड अच्छा स्टॉक में डालता है, और इसमें कम डालना ये इतना भी निगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। पर मुझे निगेटिव पॉइंट लगा प्रोमोटर कम होना, तो उसके साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और FI भी। और अगर मैं आप लोगों को बोलूँ दोस्तों, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन वो 2021 में ड्रॉप हुआ है, जो कि आप लोगों को अभी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो इसके बाद दोस्तों, इसका अगर मैं कुछ आप लोगों को निगेटिव पॉइंट और साथ ही कुछ पॉजिटिव पॉइंट, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ बोलूँ, तो पहले मैं इसका कुछ गुड न्यूज़ बोल लेता हूँ। तो ये जो कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रहा है टू गिव ए गुड क्वार्टर, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसके बाद डेप्थर डेस हैज़ इम्प्रूव 216.20, तो डेप्थर का डेस थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हैं इम्प्रूव हो गया है। तो इसके बाद स्टॉक इज मेकिंग स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.18 टाइम्स इज बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से 0.18 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है।
पर दोस्तों इसका निगेटिव पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गुड न्यूज़। तो इसका कॉन्स क्या है, इसका निगेटिव न्यूज़ क्या है, इसका बैड न्यूज़ क्या है दोस्तों? देखिए इसका जो सेल्स ग्रोथ वो कम हुआ है, आप लोग बोल सकते हैं -12.9% ओवर लास्ट 5 ईयर्स में, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग वो 5.13% है जो कि बहुत ही कम है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद कंपनी हैज़ ए लो आरओई ऑफ -11.17%, तो इस कंपनी का जो आरओई वो बहुत ही कम है जो कि आप लोग बोल सकते हैं -11.17% ओवर लास्ट 3 ईयर्स में। तो इसके बाद प्रोमोटर का जो आप लोग बोल सकते हैं लास्ट 3 ईयर्स में -3.62% का गिरावट हुआ है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ओवरऑल आप लोग को अभी क्या करना चाहिए, देखिए अगर आप लोग इसका प्राइस देखेंगे तो 1 डे में, 1 वीक में, 1 मंथ में आप लोग को अप देखने को मिलेगा। पर दोस्तों आप लोग देखिए जो स्टॉक 2018 में 3 रुपीज़ तक गया था, वही स्टॉक 2019 में 0.40 रुपीज़ तक गया, ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ से भी नीचे हो गया। तो ये स्टॉक कैसे आप लोग को लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकेगा? तो अगर आप लोग अभी ख़रीदेंगे तो भले ही ये 13 रुपीज़ तक जाए तो फिर से ये ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर आप लोग रियल इस्टेट का कुछ स्टॉक ढूंढ रहे अच्छा सा जो आप लोग को मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों में अच्छा रिटर्न दे, एक सेफ रिटर्न दे, तो आप लोग प्रेस्टीज इस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टी आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक आप लोग खरीद सकते हैं। पर इस स्टॉक में आप लोग को अगर बोलूँ तो ये स्टॉक हो सकता है कि ट्रेंडिंग के वजह से, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत लोग खरीद रहे ये न्यूज़ के वजह से ये पंप हो सकते हैं। पर ये आप लोग बोल सकते हैं कि कंपनी का इतना दम नहीं है, इसका अगर मैं फाइनेंशियल जैसे कि आप लोग को एनालिसिस करके बता दिया, रिटर्न बेसिस से बोलूँ, अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो फंडामेंटल बेसिस से, तो ये कोई भी बेसिस से ये इतना स्ट्रांग नहीं है जो कि ये पाम करेगा इतना ज़्यादा। तो अगर ये पाम करेगा भी ये न्यूज़ के बेसिस से या फिर डिमांड के बेसिस से ये हो सकेगा, पर ये फिर से डूब जाएगा क्योंकि इसका फंडामेंटली ये स्ट्रांग है ही नहीं। तो इसलिए आप लोग प्रेस्टीज एस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टी इन दोनों में से कोई भी एक रियल इस्टेट का कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर इसमें आप लोग इन्वेस्ट मत करना। और अगर ऑलरेडी आप लोग ने इन्वेस्ट करके रखा है और अगर आप लोग का पैसा थोड़ा सा डाउन हो रहा है तो आप लोग रुकिए, क्योंकि ये थोड़े ही महीनों में ये पंप हो सकते हैं, तब आप लोग अपना पैसा निकल लेना लाभ होने के बाद थोड़ा सा। पर अगर आप लोग नया इन्वेस्टर है और सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, आप लोग इसमें इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप लोग को अगर रिटर्न दे भी देगा अच्छा, पर थोड़े ही महीनों के बाद, थोड़े ही सालों के बाद ये फिर से ये डूब जाएगा, तो ये इतना भी आप लोग को लॉन्ग टर्म के बेसिस से ये आप लोग को अच्छा रिटर्न नहीं देगा। तो शॉर्ट टर्म में भी कभी आप लोग को जैसे कि देख सकते 1 ईयर में ये कितना ड्रॉप हो गया था 2018 से 2019 तक, तो इसलिए आप लोग इसमें मिड टर्म, शॉर्ट टर्म भी इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा। तो ये कुछ हद तक पंप हो सकता है पर फिर से डंप हो जाएगा, तो इसलिए इसे इस तो आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को आप लोग देखने के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।